ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास तीन पुली है, तीन ब्लॉक्स है, पुली और स्ट्रिंग मासलेस है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग अभी जो ट्रिक यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं सिग्मा टी डॉट ए, सिग्मा टी डॉट ए। हर एक ब्लॉक पे जिनका भी एक्सेलेरेशन रिलेट करना है उनमें टेंशन पता कर लो और इसको अप्लाई कर दो। जैसे ये वाला जो ब्लॉक्स है, पहला वाला ब्लॉक, इस पे ये ब्लॉक पहला वाला, इस पे टेंशन टी इधर लगेगा और इसका एक्सेलेरेशन भी इधर ही है। तो ए वन है, दैट इज ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, तो इनके बीच का थीटा इज इक्वल टू 0। और यहां से आप देख रहे हो कि ये वाली स्ट्रिंग, यहां से सेम स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग सेम है तो इसमें टेंशन सेम रहेगा। यहां पर अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं तो यहां पर एक पुली है और ये यहां से ऐसे कुछ गया और कुछ ऐसे आया और ऐसे। तो बेसिकली अगर आप देखना चाहोगे तो ये यहां से अगर स्ट्रिंग मासलेस है, मतलब उसे स्ट्रिंग में मास काउंट नहीं कर रहे हो, तो टेंशन हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ इस स्ट्रिंग में टेंशन टी रहेगा, इस वाले स्ट्रिंग में भी टेंशन टी रहेगा, इस वाले स्ट्रिंग में भी टेंशन टी रहेगा, और ये वाली स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम, ये स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहेगा। लेकिन अगर इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पुली पर आप देखोगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के हमेशा अवे लगता है, तो टेंशन टी ऊपर लगा और इसमें भी टेंशन टी ऊपर लगा, तो नीचे कितना लगेगा, नीचे वाली जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग, उसमें ऑब्वियसली 2T लगेगा। तो अगर मैं एक एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मुझे क्या दिखेगा कि इस वाले ब्लॉक, जो ब्लॉक 2 है ये वाला, देखो आप इसमें टेंशन टी इधर जाएगा, एक्सलेशन ए टू भी इधर ही है, तो ये भी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। और नीचे वाला जो लोअर ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, इस पे टेंशन 2T ऊपर लगेगा, नीचे इस स्ट्रिंग में टेंशन 2T है और ये जा रहा है नीचे एक्सलेशन ए थ्री से, तो ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर हैं, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सभी पे आप लगा दो सिग्मा टी डॉट ए दैट इज ऑल इक्वल टू 0। तो पहले वाले ब्लॉक के लिए लिखो तो आ जाएगा टी ए वन कॉस 0, दूसरे वाले के लिए टी ए टू कॉस 0, तीसरे वाले के लिए 2T A3 cos 180, दैट इज ऑल इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टी टी कॉमन है, तो ए वन प्लस ए टू दैट इज -2 टाइम्स A3 इज इक्वल टू 0। मतलब यहां से ए थ्री की जो वैल्यू आ जाएगी वो ए वन प्लस ए टू डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एक्सलेस।